तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं अयोध्या मामले में आज होने वाली सुनवाई से पहले मध्यस्थता कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कमेटी को 31 जुलाई तक काम करने और 1 अगस्त को रिपोर्ट देने को कहा था। आज कोर्ट इस बात पर विचार करेगा कि क्या मध्यस्थता बंद कर नियमित सुनवाई शुरू कर दी जाए। अगर कोर्ट सुनवाई शुरू करने की बात कहता है तो उसकी रूपरेखा भी तय कर सकता है। और इससे पहले 18 जुलाई को चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने मामले में मध्यस्थता कर रही कमेटी की रिपोर्ट देखकर 2 अगस्त को केस सुनवाई के आदेश दिए थे।